हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65 बीपीएससी एंड 66 बीपीएससी के लिए हम स्पेशल बिहार का फैक्ट्स इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आप है जो उसको अपने मेंस में रखें, और नहीं तो आपके पीटी में रहेगा, वो भी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो 65 और 66 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बिहार का स्पेशल फैक्ट्स, अभी हम बिहार ही स्पेशल चला रहे हैं दोस्तों। आपने पिछला वीडियो भी बिहार इलेक्शंस पे देखा होगा, बिहार से रिलेटेड एमएसएमई सेक्टर से देखा होगा। तो हम है जो बिहार की समस्याएं के बारे में हम बात करेंगे, जो समस्याएं हैं। तो कृषि, उद्योग, सेवा, बेरोजगारी, सामाजिक पिछड़ेपन एंड प्राकृतिक, जिसके कारण दोस्तों है जो बिहार की जो समस्या का है कि आपको मेंस में लिखने के लिए सब डेटा चाहिए। तो हम जो कृषि पे बात करेंगे दोस्तों, कृषि पे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है कि जो हम काम करते हैं जो सही है। तो हम कृषि पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कृषि पे बात करने पर हम एक चीज आपको बताते हैं, जब 1950 के बाद की जब स्थिति बनी तो बिहार और नॉर्थ में संयुक्त परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती गई, और जब स्थिति बदलते गई तो संयुक्त परिवार है जो धीरे धीरे बिखरते चला गया, ताकि है जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी का अंश है जो धीरे धीरे छोटा होते चला गया, जिसको है जो जोतों का आकार बोला जाता है, जो 1.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के अनुसार से है जो माना जाता है। 1.5 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें डेटा में कभी 1.3 देता है, 1.4 देता है, 1.5 देता है। तो 1.5 एक स्टैंडर्ड है जो माना गया है, जो बुक में या आर्टिकल में लिखा हुआ रहता है, जिसको है जो दोस्तों मैंने लिया है। दूसरा चीज़ की जो पारंपरिक कृषि होता है, जो बिहार में पारंपरिक कृषि गेहूँ, चावल, मक्का जो पारंपरिक कृषि है, उसमें है जो 80% लोग है जो उसी कृषि पे है जो आज तक निर्भर है, जिसके कारण जो कृषि में है जो उत्पादकता तो है, लेकिन है जो उससे आय कम है, और आय कम है तो किसानों की आय है जो कम होने के चलते वहाँ बेरोजगारी, गरीबी और जितना भी जो समस्याएं हैं वो है जो सामना करना पड़ता है। कर्ज 88% लोग है जो ले लेते हैं, जैसे गांव में जो 96-97% जो कृषि पर जो कृषि करते हैं उसमें 88% है जो कर्ज लेते हैं, और ये जो कर्ज लेते हैं जो बैंक से है जो 20% लेते हैं, बाकी और बिचौलियों साहूकार। और इससे है जो मैंने ऐसा एक डेटा पता चला है कि 88% लोग कर्ज में दबे होते हैं, जिसके कारण है जो वहाँ जो समस्या होती है। जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड की बात किया जाए, या और किसी भी तरह अनुदान की बात किया जाए, या कि जो जिसके कारण से है जो सरकार के द्वारा है जो कर्ज मिलता है, या साहूकारों के द्वारा जो कर्ज मिलता है, उसमें 88% जो बिहार के द्वारा है जो कर्ज लिया जाता है। आय है दोस्तों कि 3,558 रुपया आय है। ये है जो डेटा 2016 के बाद प्रकाशित नहीं किया गया है, और जो नेशनल लेवल पर है 6,426 रुपया है। तो अगर बोला जाए किसानों की आय दुगना कर दिया जाए तो 7,000 होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इस डेटा के अनुसार से जो बिहार सर जो राष्ट्रीय स्तर का जो डेटा है, उस डेटा को अगर इससे दुगना कर दिया जाए तो अभी भी है जो कुछ नहीं है, या इसी डेटा से दुगना कर दिया जाए तो 12,000 होगा। तो बहुत ही लो आय का पैमाना को दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ है कि दोस्तों जो बिहार में जो टोटल गरीबी है, 34% है जो गरीबी है, ये टोटल गरीबी का है, कृषि से नहीं, टोटल गरीबी है जो 34% गरीबी है, और 96% लघु एवं सीमांत कृषक है जो बिहार में है। तो यह तो दोस्तों कुछ ऐसे डेटा था जिसके डेटा से आप है जो आप अपने मेंस में लिख सकते हैं या आपको प्रीलिम्स में। सिंचाई 58% भूमि पर होती है, और भूमिगत क्षमता 60%, इसे भी बढ़ाने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। तो इसके लिए जो बहुत सारे है जो जनजीवन हरियाली योजना है, जो सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके माध्यम से इसको बढ़ाया जा रहा है। तो कृषि एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है दोस्तों। आज जानते हैं कि GDP में जो कृषि का अंश है जो बिहार में 21%, और नेशनल लेवल पर है जो 14-15% है जो GDP का हिस्सा है, जो इस पे जो 1950 में आपका है जो 45-50% रहता था, जो आज घट के है जो 14-18% आ गया है। तो कहीं ना कहीं है जो इसको बढ़ाने की जरूरत है। कृषि को कहा जाता है कि आपको कोरोना काल में भी है जो कृषि एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रही, और ये भी है जो एक ही एक सेक्टर था दोस्तों कि 3.4% है जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ है जो दिया गया जब इस रिपोर्ट आया है। बाकी उद्योग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, सब सेक्टर है जो आपका 23%, 40%, 50% तक जो डाउन चला गया, लेकिन कृषि है जो 3.4% है जो ग्रोथ रेट के साथ है जो दिखाया। तो कृषि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो बिहार में है। अब है जो बिहार सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है, या केंद्र सरकार क्या उपाय कर रही है इसके लिए है जो क्या क्या है। तो जैविक कॉरिडोर
बनाया जा रहा है। गंगा के किनारे जितने भी, गंगा के किनारे टोटल 12 जिले हैं दोस्तों और 20 शहर है, समझ गए, 12 जिले और 20 शहर है जिसमें है जो जैविक कॉरिडोर है जो बनाया जा रहा है। तो जो 12 जिले उसमें जैविक कॉरिडोर, हार्बर कॉरिडोर भी है जो उसमें बनाया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आदर्श गांव विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय उसमें 5 गाँव है जो प्रत्येक पंचायत में है जो 5-5 गाँव को है जो लेने की व्यवस्था की गई है, ताकि है जो उससे मॉडल बनाकर है जो अन्य और भी ग्राम है उसको है जो विकसित किया जा सके। तो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा है जो आदर्श गांव को विकसित करना, कृषि को उद्योग के रूप में बढ़ावा दिया जाना। आज निश्चित रूप से दोस्तों जो नई कृषि बिल आई है वो एक उद्यमी बनाने वाली बिल है, जहाँ आपको 3 प्रकार के जो बिल इस बार अध्यादेश के द्वारा लाया गया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि संवर्धन, तीसरा है जो व्यापार जो है कृषि व्यापार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, तो जिसका है जो उसको उद्योग के रूप में बनाने के 2022 में इसे दुगने करने का लक्ष्य जो रखा गया है। क्लस्टर बेस कृषि को बढ़ावा देना दोस्तों, एक क्लस्टर बेस बनाने की जरूरत है कि जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे, जैसे आप किसी भी राज्य में है तो उस राज्य में जो उत्पाद होते हैं उसके लिए एक विशेष प्रकार का क्लस्टर बनाना, और क्लस्टर बना के है जो उसको है जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में है जो उसको है जो भेजना, ताकि जो एक नए रूप में है जो देखा जा सके और उससे जो उद्योग को बढ़ावा मिले, कृषि उद्योग को बढ़ावा मिले। कृषि बीज 4.0 दोस्तों, कृषि बीज 4.0 में है जो डोर टू स्टेप योजना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें आधुनिक बीज और जो नए नए है जो नए प्रकार के बीज है उसको वितरण करने के लिए है, जिसको लगाया गया खरीफ रबी फसल जो भी है मक्का जितने हैं उसके माध्यम से है जो बीज को है जो पहुंचाना और उत्तम किस्म के बीज को पहुंचाना, ताकि है जो उसको उत्पादन में वृद्धि किया जा सके। जैसे अब दोस्तों की काला गेहूं, राजेंद्र गेहूं 1 और 3 है जो अभी वर्तमान में जो उसको लाया गया है, जो जिसमें है जो महिलाओं में जो आयरन की कमी होती है उसको दूर किया जा सके, इसलिए राजेंद्र 1 और राजेंद्र 3 जिसमें आयरन की मात्रा को उसमें जो ज़्यादा है जो बताया गया। अब ये डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो सबौर के हैं उनके द्वारा है जो इसको है जो अभी प्रतिस्थापित है जो किया गया था। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अभी है जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम जो 75वें प्रस्ताव, उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 बायो फर्टिलाइज बीज का है जो संवर्धन किया, ताकि जो उसको जो बढ़ावा दिया जा सके, इस बार जो नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स है दोस्तों कि उसको जो जोड़ने की कोशिश किया गया है। जन जीवन हरियाली मिशन, आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जन जीवन हरियाली मिशन के माध्यम से जो अभी है जो बिहार सरकार के जो ग्लोबल क्लस्टर क्लस्टर लीडर का दर्जा दिया गया नीतीश कुमार को, और ये जो बताया कि बहुत बड़ी योजना है। ये है जो डूबर मॉडल पर है, डूबर मॉडल मध्य प्रदेश में था उसके आधार पर जो जल जीवन हरियाली है जो मिशन है जो लाया गया था, और इस मिशन से आपको कृषि और आपको जीवन और आपको पर्यावरण तीनों के है जो इस पर जो व्यवस्था है, भूमिगत जल है जो सही होगा, दूसरा चीज़ है कि जो भूमिगत जल होगा तो आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था है जो बढ़ेगी और उससे जो उत्पाद होगा वो कहीं ना कहीं है जो आपके है जो अर्थव्यवस्था आपको आय पे है जो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा, और आप है जो एक नया स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार की है जो कल्पना है जो आप कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकरण है जो दोस्तों अभी है जो 1 लाख करोड़ रुपया का जो पैकेज दिया गया था उसमें 3480 करोड़ है जो बिहार को मिला है दोस्तों जो कृषि यांत्रिकरण, और इसके में जो प्रत्येक पैक्स जो होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से हर एक वार्ड में हर एक वार्ड पंचायत के जितना है उसमें 15 लाख रुपया का है जो विशेष विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि जो वहाँ ट्रैक्टर की बीज है या अन्य है जो यांत्रिकरण का है जो लिया जाए, ताकि जो कृषि में है जो आधुनिकरण और यांत्रिकरण का जो बढ़ावा दिया जा सके। कृषि आधुनिकरण पर जो दोस्तों है जो कृषि आधुनिकरण का जो है नए नए प्रकार के है जो उसमें यांत्रिकरण ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए अन्नदाता से ऊर्जादाता के माध्यम से आपका है जो आधुनिकरण पे नए नए जितना भी यांत्रिकरण है तो माध्यम से है जो नए प्रकार का क्लस्टर बनाना, हार्वेस्टर लगाना, नए प्रकार का ट्रैक्टर्स, मैंने इस तरह से नए कृषि में एक आधुनिकरण के रूप में है जो देखा जाना कि है जो भी समय है जो हमारा मान लीजिए कि धान काटने में होता है, तो ये अगर आपके पास यांत्रिकरण है तो कम समय में उसको है जो किया जा सकता है, क्या है कि आपका पैसा है जो वहाँ पर बचे और है जो आपको सुरक्षित है जो आपके भंडारण तक है जो आपको पहुँचाया जा सके। नदी जोड़ो परियोजना, सिंचाई के लिए नदी जोड़ो परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
आप है जो दोस्तों देख सकते हैं कि कोची में सी मेची लिंक को है जो बनाया गया है, जिसमें है जो बिहार सरकार का 14,000 जो वहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था की गई है हेक्टेयर क्षेत्र में, 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वहाँ सिंचाई की जाएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी जोड़ो परियोजना, गंगा जल योजना, ये भी साउथ की कुछ नलिया को कैनाल बना के है जो नॉर्थ की नदियों को साउथ में लाना कैनाल बनाकर, ताकि है जो एक तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, दूसरा है जो भूमिगत जल सही हो जाए, और तीसरा है जो पानी है जो स्वच्छता मिले। तो यह गंगा जल योजना है दोस्तों, ये साउथ बिहार के लिए स्पेशल योजना है। बिहार कृषि प्रोत्साहन नीति, कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए 10 ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है, जिसमें है जो आपका फल है सब्जी है इसका है जो उसको प्रोत्साहन देने के लिए है जो विशेष प्रकार का, और किसान रेल के माध्यम से दूसरे राज्यों तक भेजना, दूसरे मंडियों में भेजना, तो वही चीज़ है दोस्तों किसान रेल सहायता और मंडी का आधुनिकरण। तो ये सब चीज़ नए नए तरीके से है जो आपको कृषि में जो देखने को मिले। ये एक छोटा छोटा टॉपिक इसलिए दिए हैं दोस्तों कि आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ लिखना है हमें। फिर है जो कृषि रोड मैप 2017-22 तृतीय कृषि रोड मैप है, इसमें जो द्वितीय हरित क्रांति की बात की गई है, तिलहन दलहन पर हर थाली में बिहारी व्यंजन हो, और दोस्तों इसके लिए है जो बिहार विद्यापीठ है जो पटना में है, इसकी स्थापना 1921 में, तो वहाँ का जितना भी जो जगह था वो है जो एक्वायर बिहार सरकार ने एक्वायर किया है, और उसको है जो उसमें है जो अपनी कृषि है जो जैविक कृषि है जो लगाने का है जो उसमें प्रयत्न कर रहा है, ताकि है जो करीब करीब 40,000 या कुछ ऐसा वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है जो वो पूरा जमीन है बिहार विद्यापीठ का, उसको है जो ले लिया है बिहार सरकार ने। तो कृषि रोड मैप आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दलहन तेलहन और हरित क्रांति हर बिहार में, हर बिहार हर भारतीय के व्यंजन में है जो बिहारी व्यंजन, हर भारतीय के थाली में बिहारी व्यंजन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है जो दोस्तों है जो इस पे है जो लिखा गया है, इसमें आप है जो कृषि रोड मैप को आप है जो देख सकते हैं। बिहार कृषि वानिकी नीति है जो इस पे किसान के द्वार पहल, ये जैसे योजना है, योजनाएं बता रहे हैं दोस्तों, आप इसको दो दो पॉइंट जो देख लीजिएगा। कृषि में ऐप का प्रॉब्लम, ऐप के माध्यम से इंद्रप्रस्थ ऐप, जो मान लीजिए कि जो बिजली की कड़ाके गिरती है, जो बहुत सारे मजदूर और जो कृषक होते हैं जो खेत में काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उनके घर में कोई अगर ऐप का यूज करता हो तो 25 से 22 किलोमीटर के एरिया में पता चल जाएगा कि क्या मौसम की क्या स्थिति है। तो इस सब के माध्यम से दोस्तों इंद्रप्रस्थ ऐप है। कृषि ऋण योजना को है जो किस प्रकार सिंगल विंडो सिस्टम से है जो इसको लागू करना है। सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि तकनीक का विकास, और बिहान ऐप जो मिलिंडा गेट्स के माध्यम से है जो लागू किया गया है, और ये पंचायत बार है जो रियल टाइम सिस्टम है जो उसमें दिखाएगा क्या है जो मौसम की स्थिति है। तो ये मौसम ऐप है, तो मौसम ऐप को भी आप है जो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा था दोस्तों कि कृषि के बारे में हम बताना चाह रहे थे, ताकि जो आपको तो एक छोटा क्लस्टर टाइप का हम बनाने की कोशिश किए हैं कि आप उस क्लस्टर से है जो उसको देख सकते हैं। फिर है जो उद्योग है दोस्तों, कि आप उद्योग के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा है अभी इसमें और लिखना था, लेकिन उद्योग क्यों बिहार में नहीं है दोस्तों, समस्या कहाँ है? तो कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉफिट, लेबर एंड स्किल एनालिसिस, मिनरल्स, लाइन एंड ऑर्डर एंड नेचुरल डाइजेस्टर, ये दोस्तों समस्या है। कॉस्ट कहाँ प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बिहार में मिनरल्स नहीं होने के कारण अगर आप उद्योग लगाते हैं तो उसका कॉस्ट है जो कहीं ना कहीं है जो प्लस हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप झारखंड में लगाते हैं या कहीं दूसरे जगह लगाते हैं और वहाँ मिनरल्स रहते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आपका आसान हो जाएगा। अगर बिहार में लगाते हैं तो झारखंड से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो कॉस्ट की समस्या है, दूसरा मिनरल्स नहीं है, तीसरा है कि दोस्तों अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, कम होगा, माइनस में रहेगा। तो कहीं ना कहीं सब समस्या है। लाइन ऑर्डर की समस्या है आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हुई है लाइन ऑर्डर। नेचुरल डिजास्टर अगर आप बनाए, नेचुरल डिजास्टर अगर आ गया तो फिर है जो उसको रोड को बनाना, फिर है जो उसकी नई चीज़ को करना, तो कहीं ना कहीं है जो समस्या आती है। लेबर अनस्किल्ड नहीं, स्किल नहीं मिलने के कारण है जो भी समस्या है। एनालिसिस करने के बाद जब पता चलता है कि है जो बिहार में ये सब की समस्या होने से है जो बिहार में उद्योग है जो नहीं लग पा रहा। इसका दो उपाय है दोस्तों, अगर बिहार सरकार जितने भी PSU कंपनियां हैं अगर इसके माध्यम से अगर लाए, तो इसके अगर माध्यम से PSU कंपनी जितने भी है, पब्लिक सेंटर या नवरत्न मिनी रत्न कंपनियां या नवरत्न कंपनियां, इसको अगर ये लाता है बिहार में, तो कहीं ना कहीं ये सब
इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो डेवलप होने के बाद जो है जो निजीकरण की कंपनियां हैं वो है जो यहाँ पर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार को सोचना चाहिए, बिहार में एक भी मिनी नवरत्न ऐसी कंपनियां नहीं है दोस्तों, तो हमें है जो एक रास्ता बनाना पड़ेगा उद्योग के लिए, ताकि है जो जो पीछे से जो उसकी कंपनियां हैं जो बिहार में है जो ऑटोमेटिक है जो रन करे आकर। तो ये करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि है जो भारत सरकार को करना पड़ेगा कि जहाँ विकास नहीं हो रहा है तो उसे खुद इनिशिएटिव है जो उठाना पड़ेगा तब होगा। इसके लिए दोस्तों जो बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है स्फूर्ति योजना जो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा है जो लागू किया जाता है, बिहार औद्योगिक विकास नीति 2020, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की योजना, एमएसएमई आप जानते हैं दोस्तों कि मैंने इसकी चर्चा पहले पीछे कर दी है, मुद्रा योजना इसमें शिशु तरुण और युवा तीन प्रकार के हैं जो आपको लोन दी जाती है, स्टार्टअप योजना इक्वेशंस के माध्यम से जो स्टार्टअप करना, हब एंड स्पोक मॉडल दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट को एक, अगर मान लीजिए 38 डिस्ट्रिक्ट है और पटना उसका मेन सेंटर है तो सभी को 38 जिलों को है जो हब एंड स्पोक मॉडल से जोड़ना, बिहार औद्योगिक नीति, बिहार निवेश नीति, ये सब चीज़ है जो इसमें लिख सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग हब बनाना है जो शुगर केन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ग्रामोद्योग योजना अगरबत्ती अभी नया चला है दोस्तों इसको ग्रामोद्योग एमएसएमई के माध्यम से ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, ताकि यह जो उत्पादक और जो उपभोक्ता उसके बीच है जो कम हो, और ई कॉमर्स ऐसा है कि दोस्तों है जो गांव की कोई भी चीज़ें है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुँचाई जा सकी है, इसीलिए डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ी क्रांति है 21वीं शताब्दी का, जिसके कारण है जो किसी भी चीज़ को हमें जो प्रमोट कर सकते हैं, जैसे मखाना जीआई टैग है ब्रिटानिया के द्वारा बीटा में है जो 700 करोड़ रुपया का के माध्यम से बीटा में है जो उसका प्लांट लगाया जा रहा है, घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देना, बांस को भी उद्योग के रूप में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंगल विंडो सिस्टम उद्योग लगाने के लिए। राज्य सरकार क्या कर रही है दोस्तों कि राज्य सरकार का एक प्लान है दोस्तों कि राज्य सरकार है जो एक हब बना रही है, मान लीजिए कि 600 एकड़ में हब बना लिया और जमीन में जो अधिग्रहण होता था या जो समस्याएं आती थी, इस समस्या को दूर करने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कि सरकार आप सीधे आइए एंटर कीजिए और यहाँ है जो उत्पादन स्टार्ट कीजिए, तो आप इस तरह से भी है जो औद्योगिकरण के क्षेत्र में बिहार सरकार एक नया इनिशिएटिव लेके आ रही है और भारत सरकार भी जो इनिशिएटिव पहले लाई थी अभी बिहार सरकार ने जो ला रही है ये बना देगा और आपको एक क्लस्टर बना के दे देगा, आप है जाइए यहाँ पर आप अपना सीधा है जो उत्पादन कीजिए, अपना इंडस्ट्री लगाइए और उत्पादन कीजिए और जो भी होगा ये राज्य सरकार के अंदर में होगा, यहाँ सुरक्षा भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, एक डोर के नीचे आपको सब चीज़ हो जाएगा। तो आप इस तरह की योजनाएँ है जो किया जा रहा है दोस्तों। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग आप जानते हैं दोस्तों, स्टार्टअप रैंकिंग लीडर का दर्जा है जो मिला है बिहार को, और स्ट्रॉन्ग ऐप एक है जिसके माध्यम से गूगल द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, छोटे ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉन्ग ऐप है जो लागू किया है, इसकी विशेष चर्चा है जो मैंने दोस्तों आगे करूंगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग है जो उद्योग के क्षेत्र में है जो किया जाए। तो हम तकनीकी रूप से भी जोड़ दिए, बिहार सरकार की योजनाओं को भी जोड़ दिए, भारत सरकार की योजनाओं को भी जोड़ दिए, और है जो क्या समस्या है उसको जोड़ दिए। तो यह है जो दोस्तों आप है जो इसको इस तरह से उद्योग के बारे में लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप आगे हम बनाएंगे, बाकी जो वीडियो रहेगा उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर कुछ और नया होगा, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आप उसको सुधार लीजिएगा, बोलने में हो सकता है मिस हो सकता है लेकिन आप उसको जो सुधार लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का अगर टेस्ट चल रहा है दोस्तों, अगर ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम नंबर पर ऐड हो जाइए, लेकिन अब समय कम है, आपको जैसी इच्छा होगी वैसा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।